हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस हम लोग करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो पहले हम लोग निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और आप डेली चार्ट पे देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर इसने डबल टॉप बना दिया फ्राइडे को। फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग हुआ था, मैंने आपको बोला था बुलिश व्यू है। फर्स्ट हाफ में मेरा भी व्यू बुलिश था, लेकिन 15,305 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे ही वो टूटा मैंने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली सेल भी दे दिया था। यहाँ पर आप मेरा मैसेज देख सकते हो, मेरा भी बुलिश व्यू था लेकिन 15,305 के लेवल पे मैंने रिवर्स ट्रेड का सजेस्ट किया था और स्टॉप लॉस दिया था 15,330 का। आप देख सकते हो यहाँ पर 15,300 का जो लेवल था वो गैप लेवल था और मैंने उसी लेवल के आसपास रिवर्स ट्रेड सजेस्ट किया, बाय पोजीशन से मैंने सेल पोजीशन में कन्वर्ट किया और उसके बाद आप देख सकते हो 14,961 तक लो बनाया। ऑब्वियसली इतना बड़ा फॉल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था। मैंने मेरा पोर्शन 15,150 के आसपास मैंने भी मेरा पोर्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, तो मैंने भी इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि 15,100 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और 15,100 के आसपास मैंने भी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन क्लीन एंड क्लियर बन चुका है, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। फ्राइडे का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तक फ्राइडे का लो नहीं टूटेगा तब तक मुझे लगता है वापस फॉल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो कल मुझे लगता है थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा जिगजैग मूव हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल, एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें फ्राइडे को ऑलरेडी देखने को मिल चुका। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मंडे को भी मार्केट गिरेगा तो मंडे को मार्केट तभी गिरेगा जब फ्राइडे का लो टूटेगा, तो फ्राइडे का लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 14,960 के आसपास। अगर 14,960 के आसपास आता है और उसके बाद वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आप बिल्कुल भी सेल मत करना क्योंकि वहाँ पर वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है और शायद आप अगर शॉर्ट करो तो आप शॉर्ट में फंस भी सकते हो। एक वॉलेटाइल डे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे को क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी एक ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिल चुका है और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो मंडे का सेशन मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप कंपेयर करो निफ्टी से तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि निफ्टी ने डेली चार्ट पे डबल टॉप क्लियरली बनाया है लेकिन बैंक निफ्टी तो यहाँ तक ये लेवल तक पहुँचा भी नहीं है, इसी लेवल के आसपास से घूम गया है। तो 36,300 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप बुलिश एक्सपेक्ट मत करना। और मैंने आपको बोला भी था कि 36,300 काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, जैसे वो लेवल टूटा 36,000 देखने को मिला, 36,000 के नीचे हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला, इसीलिए 35,500 तक बैंक निफ्टी चला गया था। अब जो व्यू है वो क्लियरली दोनों इंडेक्स में बेरिश है लेकिन आपको मंडे को थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है। तो मंडे को आप लोअर लेवल्स पे सेल मत करना, फ्राइडे के लो के आसपास थोड़ा सपोर्ट ले सकता है मार्केट बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। फ्राइडे का लो जब तक नहीं टूटता तब तक कोई बड़ा बेरिश पोजीशन मत बनाना, अगर फ्राइडे का लो टूट जाता है तो डेफिनेटली हम लोग एक एग्रेसिव सेलिंग पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्राइडे का लो नहीं टूटता है तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग एक काम करते हैं दोनों का 15 मिनट चार्ट भी देख लेते हैं तो थोड़ा इजी होगा लेवल समझने के लिए। उसके पहले बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखें तो एक परफेक्ट ट्रायंगल सेटअप बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है और कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है, फिर एक मेजर ब्रेकडाउन या मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, हायर चांसेस ब्रेकडाउन के लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग हुई थी फ्राइडे को। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है, अगर ये ट्रायंगल से बाहर इसने ब्रेकडाउन दिया तो मुझे लगता है 35,000 के नीचे एक पोजिशनल सेलिंग बन सकता है बैंक निफ्टी में, जिसके टारगेट आएंगे फिर 32,000 तक के। तो जो मैंने पहले टारगेट दिए थे 35,000 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, मैंने ट्विटर पे भी मेंशन किया हुआ है 35,000 के नीचे 33,000 और 32,000 बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत फास्ट फॉल आ सकता है। सो पोजिशनल सेलिंग अगर आपको बैंक निफ्टी करना है तो 35,000 के नीचे एक पोजिशनल सेल बनता है बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट के टारगेट के लिए, यानी 32,000 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पोजिशनली बैंक निफ्टी सेल ट्रेड में। मंडे की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है और वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकता है और फ्राइडे के लो के आसपास सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो यहाँ पर ही इसने सपोर्ट लिया था फ्राइडे को इसी लेवल के आसपास, उसके नीचे भी 35,000 के आसपास सपोर्ट है क्योंकि 35,000 कई बार उसने टेस्ट किया है
और ऊपर में ये 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि राउंड ऑफ लेवल नंबर है। ओवरऑल जो मुझे रेंज लग रहा है वो 35,500 से लेके 36,000, ये 500 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है मंडे को। अगर 35,500 टूटता है, फ्राइडे का लो टूटता है, तो 35,000 तक इजीली बैंक निफ्टी आ सकता है, फिर एक शार्प फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। निफ्टी भी अगर आप देखो इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है 15,000 के आसपास, 15,000 के नीचे सीधा सपोर्ट आता है 14,850 के आसपास, तो 100-150 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है अगर फ्राइडे का लो टूटता है तो। अगर फ्राइडे का लो नहीं टूटेगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है और 15,150 से लेके 15,000 तक हम लोग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हमें फ्राइडे को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। आई होप आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियरली समझ में आया होगा मंडे के लिए, और अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल में मैं फ्यूचर्स के भी ट्रेड देता हूँ, ऑप्शंस के भी ट्रेड देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शंस बाइंग दोनों में ट्रेड देता हूँ। तो अगर आपको लेवल्स के बारे में लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और कल से हमारा पहला बैच चालू हो रहा है ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स, जो मैंने फ्री बोला था यूट्यूब वीडियो में, तो कल से पहला बैच चालू हो रहा है, उसका डिटेल ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर देख लेना। कल से हमारा फ्री कोर्स चालू हो रहा है ऑप्शंस बाइंग सीक्रेट कोर्स, उसका पहला बैच चालू हो रहा है। और हमारे चैनल पे आपको डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेवल्स पे ध्यान रखना है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स पे ज्यादा ध्यान दे सको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। Thanks a lot for watching the video. See you in the next video.